प्रथम तहलका न्यूज। बचपन तो बेफिक्र खाने पीने और मस्त मौला जिंदगी जीने का नाम है, लेकिन कोरोना काल के चलते बच्चे आजकल घरों में बंद हैं और उन्हें बाहर खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए करनाल प्रशासन ने बच्चों को एक बार फिर से एंजॉय करने का मौका दिया। आज यानी रविवार को सीएम सिटी करनाल में स्ट्रीट गेम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उपायुक्त निशांत यादव ने की। इस गेम का मकसद बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना था, ताकि बच्चे हर तरह के खेलों का आनंद ले सके। यहाँ पर बच्चों ने खूबसूरत पेंटिंग बनाई, डांस किया, सिंगिंग की और रस्सा कस्सी जैसे तमाम खेल और मनोरंजन के कई साधन यहाँ पर मौजूद थे। ऐसी एक्टिविटी से बच्चे और उनके परिजन काफी खुश नजर आए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और कोरोना के बीच हम कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे आके हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने यहाँ पे ड्राइंग करी, पेंटिंग करी और तरह तरह की गेम्स भी खेली। हमें यहाँ बहुत ज्यादा मजा आया। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? यस, हर संडे यहाँ पे होने चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चे यहाँ आ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग डांसिंग वांसिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। तो कोरोना के चलते बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे, घर बैठ के बोर हो गए हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारी पार्षद मेगा भंडारी ने इसका आयोजन कराया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आगे भी होने चाहिए? यस, ये होने चाहिए। उपायुक्त निशांत यादव ने इस तरह की एक्टिविटी को बच्चों के लिए जरूरी बताई, क्योंकि बच्चे जो घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने का मौका मिल सकेगा। पहल के बेसिस पे सेक्टर 6 में एक ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा है, जो टग ऑफ वार वगैरह है, इस तरह के कॉम्पिटिशन रखे गए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन रखा है, जिसमें सब लोग ये शपथ लेके जाएंगे कि वो अपने आप को ड्रग्स वगैरह से दूर रखेंगे। और साथ में हमने बच्चों को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उनको टी शर्ट्स वगैरह दी गई हैं। मैं आशा करता हूँ कि हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी की तरफ से शहर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएँ। साथ ही में हमने शहर की कुछ गलियाँ आइडेंटिफाई की हैं, सड़कें आइडेंटिफाई की हैं, जिनको हम नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर करके और उन सड़कों पे आगे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स रखेंगे, ताकि वो मेन मुख्य मुख्य बाजार की सड़कें हैं, वहाँ पे ट्रैफिक ना हो और लोग पैदल आवाजाही में उसका इस्तेमाल करें। वाकई में इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि एक तो बच्चे का मानसिक विकास होता है और इसके साथ ही बच्चा समाज में घुलने मिलने में सहज हो पाता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।